हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, पत्ता गोभी तो आपने बहुत बार बनाई होगी अपने अपने अंदाज से। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड, पत्ता गोभी को मैंने रफली काट लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल नहीं काटा है, तो इसी टाइप से आप काट लें। और आलू को मैंने छील के दो दो पीसेस में कट कर लिया है। पत्ता गोभी को मैंने एक कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। इसके साथ ही हम इसी में आलू डाल देंगे। आलू को दो दो पीसेस में कट करने से जल्दी बॉयल हो जाएगा हमारा आलू। तो पत्ता गोभी आलू को हम उबाल लेंगे। तो इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और इसे एक सीटी आने तक उबाल लेंगे। एक सीटी आने के बाद आप फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दें और दो मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसे पकने दें। उसके बाद प्रेशर रिलीज हो जाने पे इसे हम निकाल लेंगे। चार प्याज को मैंने रफली काट लिया है, तीन टमाटर और दो हरी मिर्च। हरी मिर्च है ये है, लाल हो गई है, बस मैं इसी का यूज करूंगी आज। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया, इसमें मैंने डाला है सरसों का ऑयल। इसके साथ ही इसमें जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, दो तीन तेज पत्ता, एक हरी इलायची है, खोल के डाल देंगे इसे बढ़िया फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा जीरा। सबको अच्छे से चटकने देंगे, चला लेते हैं। तो आप देख सकते हो जीरे का कलर चेंज हो गया है। तो इसके साथ ही इसमें जाएगा ये प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, इससे ये सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से हम भून लेंगे प्याज को। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ ही इसमें जाएगा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये दो हरी मिर्च जो हमने लिया था उसको इसी टाइम हम डाल देंगे। इसे भी भून लेते हैं, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक मिनट इसे भी भून लेंगे हम अदरक लहसुन के साथ। अब हम ये इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर लाल वाले लें, इससे अच्छा कलर भी आता है और सब्जी देखने में भी टेम्पटिंग लगती है। तो बढ़िया से इसे हम मिला लेंगे। टमाटर जो डालते हैं इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डालने से टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो जितनी सब्जी की क्वांटिटी है मैं उसी हिसाब से नमक डाल दे रही हूँ। सबको मिला लेंगे और इसे हम ढक देंगे कि टमाटर हमारा बढ़िया से गल जाए। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर, आप मिर्ची पाउडर अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी कम होती है, डालिएगा जरूर, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर और सबको मिला देंगे। हल्का सा एक चम्मच पानी डाल देंगे कि मसाला हमारा जले नहीं। एक मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे कि सारे मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। बिल्कुल अच्छे से हमारे सारे मसाले कुक हो गए हैं और कितने टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो इसे एक बार अब फिर से चला लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसमें जो पत्ता गोभी आलू हमने बॉईल करके रखा था अब हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी दोस्तों, एक बार बनाइएगा इस टाइप से, बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी खाओगे बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने 5 से 6 डाला है और बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। तो बड़े टुकड़े में काटिएगा आलू, बहुत अच्छा लगता है। तो सारे मसालों के साथ हम सब्जी को मिला लेते हैं। फाइनली इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर और लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके डालें, बहुत गजब का टेस्ट देते हैं। तो इसे जरूर डालें, इस सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ऑसम सा आता है। फिर से एक बार मिला लेते हैं। 5 मिनट के लिए इस पर हम लीड लगा देंगे कि धीमी धीमी आंच पे इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब्जी कितनी टेस्टी बनी होगी।
इसका कलर, इसका टेक्सचर गजब का रहा है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पे अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और सब्जी को करेंगे सर्व। आज के बाद आपके घर में सबकी फेवरेट यही सब्जी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो इसी स्टाइल से आप बनाएं, सबकी फेवरेट हो जाएगी ये पत्ता गोभी की सब्जी। तो इस टाइप से आप पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बनाएं और सबकी तारीफें पाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।